ओम शांति। वापिस घर चलने की तैयारी। बस अब यही लगन लग जाए। मुझे अब घर चलना है। पांच हजार वर्ष का पाठ पूरा हुआ। मेरा पिता मुझे बुला रहा है। मुझे घर चलने की लगन लग गई है। पुरानी दुनिया के बचे हुए ऋण चुकाने हैं। कर्मातीत होना, बाबा के समान फरिश्ता बनना है। हे आत्मन, सभी विचार सागर मंथन करें। कैसे जल्दी से जल्दी इस पुरानी दुनिया के कर्म बंधनों से छूटें। बाबा से शक्तियों की किरणें लेकर रानी देह और देह की दुनिया के कर्म बंधनों से मुक्त होना है। सभी इसी लगन में बैठे। कैसे जल्दी से जल्दी मुझे मुक्त होना है, इसी पर विचार सागर मंथन करें।
आत्मा। रामधाम से आई थी, परमधाम ही मेरा वास्तविक घर है। परमधाम ही मुझे वापस जाना है। अपनी विदेही अशरीरी निराकारी स्थिति में एकदम शांत होकर बैठ जाओ। कोई चुरपुर न हो मन में, कोई हलचल नहीं, परमधाम की शांति को महसूस करें। संपूर्ण निराकारी बन जाएं। सभी तपस्वी आंखें खोल कर बैठे। ब्रह्मा बाप के समान ऐसी तपस्या करें, अपने संपूर्ण निराकारी स्थिति का सुंदर सा एहसास इस अमृत वेला में करें। जब चारों ओर दुनिया सोई है, बहुत सुंदर समय है कमाई करने का, कर्म बंधनों को काटने का।
सभी आंखें खोल कर बैठेंगे, अलर्ट एक्टिव।
अपने भीतर हे आत्मन साइलेंस का बल जमा करो। अब इस पूरे संसार को केवल तुम्हारी शांति का बल ही बदल सकता है। अपार शांति अपने भीतर जमा कर लो। आने वाले हलचल वाले वक्त में हमारी शांति ही विश्व परिवर्तन का कार्य करेगी। टिके रहें परम धाम में, बिंदी और एक मैं बिंदी एक बाबा, बस और कुछ याद न आए।
संपूर्ण जागृति की अवस्था में सुंदर अनुभूति करते रहें। पांच मिनट और
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा, बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा, समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतेंद्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला, है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतेंद्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला, संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहे सर्वोत्तम एहसास, कितना भव्य और उज्ज्वल ये
तेरा परम आकाश इसी लोक में करती रूह सर्वोत्तम एहसास मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। पूरे कलयुगी संसार को प्रकृति के पांचों तत्वों को अपने प्रकंपन से परिवर्तन करने का संकल्प लेने वाली हे महान आत्मा बताओ क्या अपने स्वरूप में लंबे समय तक टिकने के अभ्यास में सफल हो रहे हो। संपूर्ण जागृति सेमी जागृति या निंद्रा इस अवस्था में हो जब तक तुम संपूर्ण नहीं जागोगे
संसार को जगाने का बीड़ा कैसे उठाओगे? जिनके अंदर खुद जागृति न आई हो, जिनकी खुद नींद फिट न गई हो, तो दूसरों को कैसे जगाएंगे? जिन्हें नींद आई, नींद आ रही, वो संकल्प करें, प्रतिज्ञा करें बाबा से, सेमी जागृति वाले भी अपने आप को और हिलाएं, जगाएं अपने आप को, कहीं भगवान के जाने के बाद ये आंखें खुली तो बहुत पश्चाताप होगा। और जिन्होंने संपूर्ण जागृति प्राप्त कर ली है, वे अपने शांति के बल को चेक करें। इस संसार को बदलने के लिए जितना शांति का बल चाहिए, क्या मैंने जमा कर लिया? कितना बल चाहिए बताएंगे नंबर वन डालकर। कितना बल चाहिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता है विश्व परिवर्तन के लिए। चैतन्य आत्माएं, भटकती आत्माएं, तड़पती आत्माएं, निर्जीव प्रकृति, इन सभी को परिवर्तन करना है हमें। बहुत शांति का बल चाहिए, बहुत शांति का बल चाहिए। केवल अमृत वेला में ही जमा हो सकता है वो। 2 से 3 बजे की आप रूहानी आर्मी हो, बाबा ने किसी विशेष मकसद से आप सभी को चुना है। अपने मकसद को पहचाने, और अपनी संपूर्ण मनसा शक्ति लक्ष्य की ओर लगा दें। क्या हमारी अमृत वेला रूहानी आर्मी, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आर्मी मिलकर के विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए तैयार हो गई या तैयार हो रही है? क्या सभी में भगवान की उम्मीदों को पूरा करने का उमंग है?
दो नंबर डालकर लिखिए कितना उमंग है। बाबा की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कितना उमंग है। क्योंकि तुम्हारे उमंग उत्साह के पंख ही इस संसार को पार लगाएंगे। हम आत्माओं की ऊर्जा ही कमाल करके दिखाएगी। हमारा विश्वास ही पूरे संसार को बदलेगा। इसलिए हे आत्मन, हमारी आंखें बंद नहीं हो सकती, हम भटक नहीं सकते, हम सेमी जागृति में भी नहीं रह सकते। 100% जागृति। चलिए सभी 100% जागृति का अनुभव करेंगे। सभी को सीख लेना है ये लंबे समय तक 100% जागृति में बैठना। 15 मिनट हम 100% जागृति में बैठेंगे। जरा भी किसी को नींद आए, खुद उठकर चक्कर लगा के आए बाहर। जिन्हें थकावट हो रही हो वो एक फरिश्ता वॉक लेकर के आए। 15 मिनट 100% जागृति। आंखें खोल कर बैठेंगे सभी। सभी सीधे होके बैठे ब्रह्मा बाबा की तरह। देखेंगे ये है 100% जागृति। बाबा के स्वरूप को देखें और बाबा के समान चमकते हुए बैठें।
आंखें बंद होना यानी भाग्य के द्वार बंद होना। और आंखें खुलना अर्थात सोया हुआ भाग्य जागना, अपने नेत्र खोलो, स्थूल सूक्ष्म दोनों। ब्रह्मा बाप समान तपस्वी, नींद फिट गई, विश्व कल्याण की चिंता में नींद फिट गई। सब कुछ सुहा कर दिया, हम कब उसकी सच्ची संतान बनेंगे? अगर जिन्हें अभी तक नींद आ रही, विचार करो, जागो हे आत्मा, जागो। सवेरा हुआ देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आग पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, आग पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, प्यार के लिए न कहना दिखाया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। दर्श की आस में काशी में काबा में फटिक कैलाश में आ चुके वो
चुके वो अभी मिल रहे हैं सभी, मिल लो फिर ये न कहना मिलाया नहीं। आँखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आँखें खोलो उठो फिर ना कहना कि हमें जगाया नहीं। पानी को एक झलकती युगों की ललक, आया भारत में वो छोड़ कर के फलक। पानी को एक झलकती युगों की ललक, आया भारत में वो छोड़ कर के फलक। ब्रह्मतन को धारे ब्रह्म से है पधारे, ब्रह्म तन को धारे ब्रह्मा से है पधारे। सुन लो फिर ये न कहना बताया नहीं, आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। तभी बाबा की नजरों में झांक कर देखो। देखो उसकी नजरों में हम बच्चों से क्या उम्मीदें हैं। तभी बाबा की नजरों में झांक।
उन उम्मीदों को चेक करें, उम्मीदों को समझें। बताओ हे आत्मन, तुम्हें क्या लगता है इन आंखों में हम बच्चों से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन रूहानी सेना से क्या उम्मीद कर रहा है बाबा? हमें उसकी उम्मीदों पर खरे उतरना है। जितना हम उसकी उम्मीदों को समझते जाएंगे, जितना हम उसकी उम्मीदों को पूरा करने का संकल्प रचते जाएंगे, वो हमें इंस्ट्रूमेंट बनाता जाएगा। कार्य केवल उसे ही करना है, हमें तो केवल निमित्त बनना है। आइए हम मिलकर कुछ विशेष कर दिखाएं बाबा को, अपने संकल्पों को और उमंग से भरें, बाबा की दृष्टि लें अच्छी तरह से। कितने प्यार से दृष्टि दे रहा, उसकी दृष्टि के ये पल याद आएंगे।
अब विश्व परिवर्तन के लिए तुम्हें क्या करना होगा ये भी प्लान कर लो। तभी लिखेंगे क्या क्या त्याग कर सकते हो, क्या क्या स्वाहा कर सकते हो, करोगे इस विश्व परिवर्तन के यज्ञ में। सच्चे दिल से कहना तुम क्या क्या स्वाहा करोगे, सच्चे विश्व परिवर्तक बनकर, भगवान की सच्ची औलाद बनकर, मानवता के सच्चे रक्षक बनकर क्या त्याग करोगे इस संसार के लिए। आज अपवित्रता को संपूर्ण नष्ट कर दो, स्वाहा कर दो, दिल से संकल्प दे दो बाबा को। आज ही करो, जितना प्यार बाबा से करते हो, जितनी गहराई से प्यार करते हो, उतनी ही गहराई से हर विकार को त्यागने का संकल्प रचो। अमृत वेला में वायदा करो बाबा से, करेंगे के संकल्प को वर्तमान में लाएं, संकल्प में कन्वर्ट करें उसे। इसी वक्त त्याग करें, करेंगे को इसी वक्त परिवर्तन के संकल्प में इसी वक्त स्वाहा करो। क्या क्या स्वाहा करते हो, मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ, अब मेरा एक एक संकल्प, एक एक श्वास तन मन धन सब ईश्वरीय कार्यों के लिए है। एक एक संकल्प विश्व परिवर्तन में स्वाहा कर दिया है मैंने। अपवित्रता मुझे छू भी नहीं सकती, काम विकार ही नहीं, क्रोध लोभ मोह ये विकार भी आत्मा को दूषित करते हैं। मैं बाबा के प्यार में स्वाहा करती हूँ। हे रूहानी कमांडर आत्माएं, जैसे आदि काल में ब्रह्मा बाबा ने एक ऐसा शक्तिशाली संगठन बनाया
क्या उससे प्रेरणा लेकर हम अपने संगठन को उसके समान बना सकते हैं? अगर उस संगठन का 75% भी बना पाए तो बहुत कुछ कर पाएंगे। अपने आप को उमंग से भरे, साहस से भरे, शक्ति से भरे और आदिकाल की आत्माओं की तरह स्वाहा हो जाए। सब तरफ से उपराम योगी बन जाओ, सब देहधारियों से दिल के तार तोड़ लो, एक भगवान से जोड़ लो, तभी कर पाओगे विश्व कल्याण। जो खुद मोह के धागों में बंधे हैं, मोह की दलदल में फंसे हैं, काम क्रोध के कीचड़ में धसे हैं, वो कभी विश्व कल्याण नहीं कर सकते। संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण अन्न शुद्धि, अमृत वेला, पावरफुल, दुनिया से अव्यक्त मौन व्रत, जितना हो सके मौन व्रत, केवल एक बाबा से ही प्रीत जुड़ी हो, ऐसा लगे इनका लंगर उठ गया इस दुनिया से, रचो रचो रचो, संकल्प रचो। ये दुनिया जागने वाली है, ये जागते ही तुम्हारा नशा कम कर देगी। उससे उठने से पहले तैयारी कर लो, अब फंसेंगे नहीं इस दुनिया में। बेटे पोते चाचे काके मामे ताऊ, ये सब भ्रम जाल है। चलिए 10 मिनट नशा चढ़ाएंगे, फिर फरिश्ता भी बनना है, फिर विश्व सेवा भी करनी है, बहुत कार्य बाकी है अमृत वेला के। पहले नशा चढ़ाएंगे, कौन मिला है मुझे, कौन मिला है मुझे। मुझे भगवान मिल गए, वह मेरा भाग्य। अपने भाग्य की खुशी आनंद को महसूस करेंगे। अब निंद्रा नहीं आ सकती मेरे पास, भगवान तुम्हारे द्वार खड़ा है, तो नींद कैसे आ सकती है।
चलिए नशे में बैठेंगे अभी, अब चैट से दूर हो जाएं, फिर से नशे में चूर हो जाएं। जिन्हें भगवान मिल गए हों, अपार आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। देह और देह से जुड़ी कोई बात तुम्हारे नशे को कम ना कर पाए, ऐसा नशे में स्वयं को स्थित करो। वहां मेरा भाग्य है, वहां रे संगम युग, वहां रे ब्राह्मण परिवार, वहां रे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन परिवार, वहां 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 मेरा बाबा, वहां रे ड्रामा, वहां रे कोरोना, वहां
5 मिनट फरिश्ता स्वरूप में टिक जाएं। बिल्कुल हल्की डबल लाइट, तन भी लाइट, मन भी लाइट, दुनिया से दूर। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई नहीं रिश्ता, रिश्तों से फ्री, बस एक बाप, दूसरा न कोई।
चलिए हे आत्मा, अब समय हो चला है भगवान से प्राप्त किए खजानों को सारे संसार पर लुटाने का। फरिश्ता लोक से नीचे उतर आए अपने फरिश्ता शरीर के चमकीले स्वरूप के साथ। और अपनी संपूर्ण शक्तियां, शुभ भावना, शुभ कामना तपती हुई इस धरती पर बरसाते। आधा कल्प से तड़प रही है ये धरती, 63 जन्मों से आत्माएं विकारों से ग्रसित हैं। तुम्हारी पवित्र प्रकंपन सबके मन को शीतल कर रही महसूस करो। सबसे पहले महसूस करें मैं फरिश्ता बिल्कुल हल्का, शुभ भावनाओं से भरा हुआ, भंडारे भरपूर, पूरे संसार पर अपनी मनसा बरसाइए, प्रकाश दीजिए।
सृष्टि में जो भी आपके भगत
हे अमृत विराज वाणी सेना के महारथी कमांडर, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। बहुत बड़ा कार्य करना है ये रूहानी सेना के कमांडर्स, तैयार कर लो अपने आप को, अपने अस्त्र शस्त्र सब कुछ रेडी रख लो, मनसा को शुद्ध कर लो, बुद्धि को विचलित करना बंद कर दो, अपने प्रकंपनों में शक्ति भर दो, पूरे ग्लोब पर फोकस कर दो, भगवान की वाणी याद करो, आने वाला समय केवल मनसा सेवा का है, ये सब साधनों की सेवाएं भी बंद हो जाएंगी, परंतु उससे पहले हमें तैयार होना है। ये महान तपस्वी आत्माओं, ये तो आप समझ ही गए हो कि संसार को तुम्हारी कितनी आवश्यकता है। क्या अब अपने अभ्यास को और आगे बढ़ाया जाए? क्या मनसा सेवा के लंबे अभ्यास करने के लिए तैयार हो? क्या एक अमृत वेला पूरा 3 घंटा मनसा सेवा के प्रयोग पर लगाया जाए? क्या आप तैयार हो या केवल अपने लिए ही जमा करने में बिजी हो? अपने मन को मनसा में बिजी कर दो, मन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि 2 से 3 वाले तो अलग हैं
हमारे मीठे भाई बहन जो उसके बाद जुड़ रहे हैं उन्हें भी गहरे अभ्यास की ओर बढ़ना है। अगर तैयार हैं तो पूरा अमृत वेला मनसा के प्रति समर्पित करेंगे ताकि हम आने वाले समय के लिए तैयार हो जाएं। आप सभी का अद्भुत उमंग उत्साह दिख रहा है और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपके किसी के जीवन में भी कुछ बातें चल रही हों तो चिंता मत करना, तुम मनसा सेवा में बिजी हो जाओ। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तुम विश्व कल्याण के कार्य में बिजी हो जाओ, तुम्हारे हद के कार्य भगवान संभाल लेगा। तुम भगवान का कार्य संभालो, भगवान तुम्हारे संभाल लेगा। बहुत अच्छा। परसों का अमृत वेला करेंगे हम। आज 16 तारीख है, 18 तारीख का अमृत वेला 3 घंटा पूरा मनसा सेवा के प्रति होगा। आज से कल तक अंतर्मुखी मौन रहने की तपस्या कीजिए, फाउंडेशन पक्का कीजिए और पक्का कीजिए मुझे अब सोना नहीं है, अब विश्व कल्याण में स्वाहा होना है। अपने आप को असीम उमंग से भरें, अपार आनंद से भरें। इतनी ऊर्जा, ये ऊर्जा तुम्हारे घरों का भी कल्याण कर देगी। जिस घर में बैठकर ऐसे सुंदर प्रकंपन फैलाए जाएंगे, क्या वो घर मंदिर नहीं बन जाएंगे? और जिस मन में, जिस मस्तक में बैठकर आत्मा ऐसे सुंदर प्रकंपन फैलाएगी, क्या वो देह पावन नहीं बन जाएगी? डबल ट्रिपल फायदा है मनसा सेवा में। तन भी पावन होता है, अध के बंधन कटते हैं, लौकिक परिवार लौकिक घर को सुंदर प्रकंपन मिलते हैं, और विश्व कल्याण में भी भाग्य बनता है। बहुत फायदे हैं मनसा सेवा के, और आने वाले समय में तो यही सेवा कार्य में आएगी। चलिए अभी चेकिंग करेंगे, सभी अपने नंबर लगाएंगे। जिन्हें नींद आई वो दृढ़ संकल्प रचेंगे और अगले 15 मिनट के अंदर ठीक करेंगे, अपनी बैटरी फुल्ली चार्ज करेंगे। जब अमृत वेला से उठें तो मुस्कुराते हुए खिले हुए गुलाब की तरह भगवान से मिलकर आए हैं। भगवान से मिलन मना के आए, ऐसी खुशी में निकलना चाहिए। कम से कम 8 या 9 नंबर होने चाहिए। जिनके कम है वो संकल्प रचेंगे। सेमी निंद्रा है, 6 नंबर क्यों, 7 क्यों, 4 क्यों, 8 और 9 क्यों नहीं? अंतर्मुखी हो जाएं। देह और देह की दुनिया कुछ खींच रही तुम्हारे खजानों, लीक हो रहे तुम्हारे खजाने। बचाओ अपने खजानों को, विश्व कल्याण में लगाना है।
और आप में से मीठी आत्माएं ज्यादा से ज्यादा 2 बजे वाले योग में जुड़ने का प्रयास करें। जो आज तक 2 बजे का योग नहीं करते, क्या आप में से आज 2 बजे का संकल्प ले सकते कोई? तो लिखें अमृत वेला लिखकर आज से संकल्प लो। कैसे भी एडजस्ट करेंगे जीवन को, तो 2 बजे का योग करेंगे। जो आज 2 बजे की सेना में जुटेंगे वो लिखो अमृत वेला 2 o'clock, बस इतना लिखें। जो पहले से करते हैं वो नहीं लिखें। जो आज नए जुड़ना चाहते हैं, हमें पूरे संसार को 2 बजे का योग सिखाना है, विघ्न मिटाने हैं उनके, पहले ब्राह्मणों को सिखाना है। आप सभी को ये महान सेवा करनी है। उसमें जो दिक्कत परेशानियां प्रश्न आएंगे उसका हल किया जाएगा। बहुत अच्छा, देखो कितनी आत्माएं जुड़ रही हैं, जागृति आ रही है। आने वाला वक्त केवल योगियों का है। चारों तरफ विनाश की अग्नि होगी, केवल जो योग युक्त होंगे वही बच पाएंगे, बाकी सबको जलना होगा। बहुत अच्छा, देखिए हमारी अमृत वेला की सेना पावरफुल हो रही है। शरीरों का ध्यान जरूर रखना है, रात्रि को जल्दी सोना होगा, भोजन रात को कम करना है। गुड, बहुत अच्छा, इतनी आत्माएं और जुड़ रही हैं। इस संगठन को उमंग उत्साह से भर दो। जिनके जीवन में विघ्न है, उठने में दिक्कत है, वो पहले बाबा के पास पहुंचो। बाबा को दिल से बोलो कि मुझे करना है। बाबा रास्ते साफ करेगा। वो भले 3 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन योग द्वारा अपने विघ्न काटने हैं। जिनके शरीरों में अति समस्या है वो हठ योग नहीं करेंगे। 2 बजे का योग अपने तन को भी ध्यान में रखना है। विघ्नों को बाबा की याद से ठीक करना है। चलिए अभी हम 5 मिनट आनंद स्वरूप में बैठेंगे। अमृत वेला कैसा रहा इस आनंद में बैठेंगे। मैं आनंद स्वरूप आत्मा, खुशी से भरपूर होकर भगवान के साथ बिताया है समय, खुशी से भरपूर होके बैठे। मैं परम आनंद में हूं।
खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वह बाबा वह बाबा वह बाबा, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे, नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वह बाबा वह बाबा वह बाबा। यूं ही आनंद में पूरा दिन बिताएंगे और सभी को खुशियों का वरदान बांटते हुए बाबा की उम्मीदों को पूरा करेंगे। आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो, ऐसे ही खुशियों से भरपूर रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ ओम शांति। सभी अपने अमृत वेले का अनुभव लिखते हुए विदाई लेंगे, तब ओम ब्रह्मक मरीज चैनल पर मुरली का सार सुनने के लिए पहुँचेंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।